वो तोड़ करके आ गई। तो आपने एक सनी देओल की पिक्चर भी देखा होगा कि हिंदुस्तान का उजागर कर नल तक उखाड़ लेता है, प्रेम के चक्कर में चला गया पाकिस्तान शादी कर। तो अगर आपके अंदर भी इस तरह का कुमत हो तो आप बांग्लादेश जाकर के वहाँ से ले आओ, बांग्लादेश से भी ले आओ भैया। पाकिस्तान से एक महिला अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारत आई है, जो कि नोएडा में अपने प्रेमी के साथ है और 4 बच्चों के साथ है, जिसको लेकर हिंदू धर्म के लोग क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या है, हमारे साथ जाने के लिए कुछ लोग हैं। आप बताइए सर, एक महिला पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भारत आ गई, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अब तरीके से नहीं देखना है, सीधे अपनी खुली आँख से देखिए कि अगर उसका प्रेम हिंदुस्तान की सरजमी से है और वो यहाँ आई हुई है तो निश्चित रूप से वह कुछ सोच करके आई होगी और आप जैसे नौजवानों को देख करके आई होगी कि ऐसे नौजवान से मैं विवाह करूं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाला हो, जो मुझे तलाक न दे। तलाक की प्रथा यहाँ बंद हो गई है, इसलिए वो ललायत हुई होगी कि हम चलेंगे वहाँ पे, हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, एक हिंदू से शादी करेंगे, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहेंगे, वहाँ के निवासी हो जाएंगे। आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता पाकिस्तान में है, इससे यह स्पष्ट होता है कि आप जैसे नौजवान पाकिस्तान जाए, वहाँ से सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ विवाह करके ले आए हिंदुस्तान की सरजमी पे, क्योंकि जनसंख्या वैसे भी बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बनाने की बात न करके आप जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है? 4 बच्चों को लेकर आई है, 4 बच्चों को लेकर आई तो उसको आप लोग मिलकर के 8 कर दीजिए अगले साल, उसके बाद 16 करिए, फिर 32 करिए, क्योंकि चाइना की जनसंख्या तो नियंत्रित हो गई लेकिन भारतवर्ष की जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का संविधान ऐसा हो चुका है कि 3 करोड़ से अधिक खानाबदोश रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान भारतवर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। भारत सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है, NRC जैसी कानून को लागू नहीं कर पा रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं कर पा रही है, और हम सनातनी भारतवर्ष के इस हिंदुस्तानी के हैसियत से यह कहना चाहूँगा कि हर देश, इस देश का हर नागरिक भारत सरकार के सामने सीना चौड़ा करके कहे कि NRC लागू करो और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तत्काल प्रभाव से कानून बना करके संविधान में निहित कर दिया जाए, अन्यथा इसी तरह से हिंदुस्तान के आप जैसे नौजवान जो है पाकिस्तान की लड़कियां ले आकर के हिंदुस्तान में शादी करके ले आए। नहीं, वो तो प्रेम किया है उन्होंने, तो आप भी प्रेम कर लीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पाकिस्तान से आई है, प्रेम तो जोधा भाई ने कर लिया था, प्रेम तो जो है इसको लेकर हिंदू संगठन कुछ कदम उठाएगा क्या? क्या कदम उठाएगा? क्योंकि जब प्रेम प्रेम तो रुक्मणी ने विवाह किया कृष्ण से और राधा ने प्रेम कर लिया और प्रेम में ही पागल होकर के उसने विष को पी लिया, अमर हो गई। तो प्रेम शब्द, प्रेम और प्यार, पहले दोनों को आप क्लासिफिकेशन कर लीजिए, वर्गीकरण कर लीजिए कि प्यार वासना सहित है कि प्रेम वासना सहित है। प्रेम क्या है? प्रेम वासना रहित है और प्यार वासना सहित है, लेकिन यहां उल्टा हम बात करते हैं। हम कहते हैं प्यार जो है वो वासना सहित है, प्रेम वासना रहित है। लेकिन मीरा ने प्यार नहीं किया था कृष्ण से, मीरा ने प्रेम किया था कृष्ण से, तो आप भी प्रेम करो ना। अरे एक पत्नी है, 4 औरतों से आप प्रेम नहीं करते हो, अगल बगल लोगों से दोस्ती नहीं करते हो, प्यार नहीं करते, प्रेम करते हो। तो प्रेम और प्यार के डिफिनीशन को आप समझिए पहले कि प्यार क्या है और प्रेम क्या है। जिस तरीके से मजहब की दीवार और कहा जाए दूसरे देश की जो दीवार की बॉर्डर था उसे तोड़ कर आ गई, वो तोड़ करके आ गई। तो आपने एक सनी देओल की पिक्चर भी देखा होगा कि हिंदुस्तान का उजागर कर नल तक उखाड़ लेता है, प्रेम के चक्कर में चला गया पाकिस्तान शादी कर। तो अगर आपके अंदर भी इस तरह का कुमत हो तो आप बांग्लादेश जाकर के वहाँ से ले आओ, बांग्लादेश से भी ले आओ भैया। नहीं, अब तो एक ट्रेंड चल गया है कि महिलाएं शादीशुदा किसी और से, जिस तरीके से छुट्टी मोरिया का चला वो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे से अफेयर में थी, पति के पति को छोड़ रही हैं, जिस पति ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ बनाया, सक्षम अधिकारी बनाया, अब कह रही नहीं बस यहीं तक का हमारा सफर था, बाय बाय। बिल्कुल, ये एक तरीके से वह उसके परिवेश की बात है, वो उसके गार्जियन कह लीजिए या जिस परिवेश में वो पली बढ़ी, हो सकता है कि वहाँ पे इस तरह का कहीं कहीं से कोई शुक्राणु रहा होगा दिमाग में, कीटाणु रहा होगा, शुक्राणु कीटाणु जिसके से वो पैदा हुई है और वो
जब उसका कार्य पूरा हो गया तो उसने उसको निकाल दिया। इसलिए मैं आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप जैसे नौजवान भी बहुत सोच समझ के विवाह करिएगा और अपने पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाइए, कहीं आपको भी ना झटक दिया जाए। लगता है कि पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए अगर इस व्यवस्था नहीं जाए। यह गलत है, यह गलत है, यह पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। या पत्नी पढ़ लिख करके जिला कलेक्टर हो जाए तो कल हमको निकाल बाहर कर देगी, इस तरह की अगर मानसिकता है तो निश्चित रूप से यह कटु सत्य है कि उसके पालन पोषण उसके संस्कार में कहीं न कहीं से बहुत बड़ा दोष है, तब वो इस तरह का कार्य कर रही है, अन्यथा नहीं कर रही। हो गया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पत्नियों की जो शिक्षा है उसे ब्रेक नहीं करनी चाहिए, उनके शिक्षा के अधिकार को जो है पूर्णता ब्रेक करना जो है, उनके साथ अन्याय करना है, उनको जो है पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहना इनका है। इस तौर पर जिस तरीके से ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का प्रकरण चल रहा है, कहीं ना कहीं समाज में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कैसा लगा इंटरव्यू आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।